हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाने वाले हैं बैंगन का भरता। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाही में 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और अदरक। तो अदरक और हरी मिर्च को थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही साथ इसमें 1 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। और ये देखिए, मीडियम फ्लेम में हमें प्याज को अच्छा सा सुनहरा होने तक भूनना है। साथ ही मैंने इसमें 1 पिंच हींग डाली है। अगर आपको हींग का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो मसाले आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, मिक्स करेंगे अच्छे से। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक चॉप करके डाला हुआ है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर एंड क्यूमन सीड पाउडर, यानी आप भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे जिससे कि टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और ढक के इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हुए हैं और टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो कलछी से हम इन्हें हल्का सा मैश कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला हुआ है। मसालों को अच्छे से भूनेंगे और मसाले अच्छे से भून गए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे ये बैंगन। तो बैंगन को हमने भून करके उसे छील के हल्का हल्का सा मैश करके डाला हुआ है। अब हम इसे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो काफ़ी सारा बारीक कटा हरा धनिया डालें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर इसे पकाना नहीं होता है। और ये लीजिए, हमारा बहुत ही स्वादिष्ट बैंगन का भरता तैयार है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के